Viewers, a very warm welcome to our TVN7 News channel. The residents of PNT Colony Sun City are dwelling in large numbers within their apartments, independent homes from a very long period of time. These people vociferously outcry about their grievances within the locality as they do not have access to road to reach their homes, neither do they have drainage facility, which in turn is a cause of overflowing drainage water on the earthen murmur roads, leading to a stumbling task to cross the dirty, muddy paths. This also leads to numerous problems like the growing inhabitants of mosquitoes and many more endless fuss. We humbly request the leaders, corporator, MLA of this colony to address the municipal department and their officers in providing the major two amenities of drainage and road at the earliest. लोग सन सिटी में रहते हैं जी, मंडल गोड़ा जागीर जी, जहाँ पर हम लोगों को या जाती फ्लैट्स हैं हम लोगों के जी, ना हमारे को रोड है, ना ड्रेनेज का इंतज़ाम है यहाँ पे, ना ही यहाँ पे पानी का इंतज़ाम है जी। और कौन यहाँ का लीडर है, कौन यहाँ का MLA है, कौन यहाँ के कॉर्पोरेटर है, हमें कुछ भी नहीं मालूम। आज तक कोई आए नहीं, कुछ नहीं जी। हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है यहाँ पे जी। कॉलोनी का नाम क्या है सर? ये कॉलोनी का नाम है PNT कॉलोनी, PNT कॉलोनी, PNT कॉलोनी, सन सिटी PNT कॉलोनी जी, ए ब्लॉक जी। यहाँ के MLA साहब कभी आपके पास आए साहब? आपके पास अभी नहीं आए साहब। काउंसलर साहब नहीं आए साहब अभी तक? या वार्ड मेंबर लोगों को बहुत तकलीफ हो रही साहब। तो आप लोग MLA से रुजू हुए थे? MLA साहब से रुजू हुए थे, कॉर्पोरेटर को, काउंसलर को, पर खाली बात करते हलो हलो बोलते सब, रिस्पॉन्स नहीं आते, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, आते नहीं, देखते नहीं। क्या नाम है उनको? सुनने में तो यह आया कि उनका नाम अदनान है। अदनान साहब? अदनान साहब। कौन सी पार्टी से? पार्टी का नहीं, कांग्रेस, कांग्रेस से है। अच्छा, कांग्रेस से, ठीक है जी। साहब बोलिए जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फरहान है जी। ये बनलागुड़ा जागीर है, सन सिटी PNT कॉलोनी है जी। और यहाँ पे काफ़ी सालों से जो है जो पूरे रेसिडेंशियल है ये हाँ। और यहाँ पे आवाम को इतनी तकलीफ़ हो रही है, इतनी दुश्वारियाँ हो रहे हैं, और यहाँ पे कोई चीज़ की फिल वक्त तो सहूलत नहीं है जी। जो आपके सामने दिख रहा पूरा कचरा वैसी है, रोडा तो जो। अच्छा, पानी का कैसा है सर? पानी बिल्कुल नहीं है साहब, लैंड कनेक्शन है बोले, मगर पानी किसी को भी नहीं आ रहा, और बीच में आ रहा तो भी ड्रेनेज का कुछ मिल गया, वो भी ब्लॉक हो गया। अच्छा, तो ड्रेनेज का भी फैसिलिटीज नहीं है? नहीं, ड्रेनेज तो बिल्कुल ही नहीं है कॉलोनी में, पूरा लेआउट कॉलोनी है, ड्रेनेज बिल्कुल नहीं है, और मॉस्किटो से इतनी परेशानियाँ हो रही हैं लोगों को, इतनी दिक्कतें हो रही हैं, मगर सुनने वाला कौन है बताइए आप? यहाँ पे पब्लिक को क्या चाहिए? रोडा चाहिए और ड्रेनेज चाहिए जी। दो चीज़ें तो बहुत मेन है, पानी का है, चलो KCR साहब कर रहे हैं, आज नहीं कल आएंगा, नहीं बोल के नहीं, मगर ड्रेनेज नहीं है जी। और ड्रेनेज से इतनी मुश्किलात हो रही है, घरों में जो बदबू आ रही है, रोडों पे चलना मुश्किल है, और ख़ास करके जो मच्छरों से जो तकलीफ हो रही है, मासूम बच्चे है, हर एक पूरा रेसिडेंशियल एरिया है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, मगर पूरा रेसिडेंशियल है, और इतने मॉस्किटो आ रहे हैं, अगर आप शाम के टाइम पे आएंगे तो जीना मुश्किल है बच्चों का फिल वक्त। और हमारे जो है कॉर्पोरेटर, अभी हमारे कॉर्पोरेटर साहब सबको मालूम है, इल्म है, मगर अभी कहाँ है, अभी जब टाइम आएगा फिर वो लोग आएंगे हमारे पास, अभी फिल वक्त हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। अभी जो रोडा है यहाँ पे चलना मुश्किल, अगर बारिश होंगी तो आपको आप देखेंगे सही, कार गाड़ी तो दूर की बात, पैदल भी चलना मुश्किल। अभी देखिए साहब, अप्रैल का महीना ख़त्म पे है, अब आता सो महीना एक है, अब इसके बाद जो है जो बारिश का महीना शुरू होगा, इसके बाद जो मुश्किलें होंगे हमारे को, जो हमारे को फेस करना पड़ेगा, KCR साहब से तो पूरा हर चीज़ का अप्लाई हो गया सो है, लेकिन हमारे जो यहाँ के लोग हैं, जो हमारे वास्ते ठहरे हुए बड़े, जो कारपेंटर बोलिए, आप MLC बोलिए या MLA बोलिए, कोई भी हो, मगर उनका काम है, KCR साहब से हमारे को गिला शिकवा नहीं, हर चीज़ का लगा दिया उन्होंने, जिसको जो करना है पानी पहुंचा रहे हैं, रोड दे रहे हैं, हर वो चीज़ की सहूलत दे दी, मगर हमारे जो कायदीन है, जो हमारे जो कॉर्पोरेटर है, MLA है या MLC है, जिनके हाथ में है ये, लेकिन उन लोग जो है फिलहाल खामोश बैठे हुए, पूरी कॉलोनी, पूरी जो है सोसाइटियाँ हैं, सब जा रहे मिल रहे, बस कल होगा, परसों होगा, ये होगा। खैर, अभी तो कोरोना चल रहा है, हमारे कुछ बोल कुछ वो नहीं है हमारे को, लेकिन इसके बाद अब जो बारिश का महीना शुरू होगा, जब स्कूल खुल जाएंगे, मगर उसके बाद हमारे को आना फिरना चलना हमारे को कुछ भी नहीं रहेगा, कार गाड़ी नहीं, आप पैदल भी नहीं जा सकते आप। आगे रिक्वेस्ट है, आप बोलो। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा हमारे जो कारपोरेटर है, जो हमारे जो भी है यहाँ पे जी, वो लोग आए आके जो है थोड़ा कुछ काम शुरुआत करें, अभी नहीं तो ना कोरोना के बाद जी। अभी तो वायरस चल रही, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही, खास करके पूरी दुनिया में फैला हुआ है, मगर हमारा इंडिया माशाल्लाह बहुत अच्छा इसको रिकवर कर रहा, लॉकडाउन कर दिया, गवर्नमेंट जो सहूलत दे रही है, हर एक को सहूलत दे रही है, और हमारे पास हर एक को जो है नेगेटिव नहीं कर रहा। KCR साहब जो मुद्दे उठाए बहुत अच्छा करे, कि हमारे को आवाम की जान की सहूलत है, जान देखना है हमारे को, ये कोरोना का नहीं है, तो इस हिसाब से हमारे को जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी दे रही बहुत अच्छी है, पूरी आवाम इससे खुश है, हम सब खुश है।
अभी जो कोरोना के हालात में जो हमारे को जो सहूलत दे रही थी केसीआर साहब दी, और ख़ास करके हमारे अंजनी कुमार साहब जो कमिश्नर साहब है इज्जतदार हमारे जो है, अल्लाह उनको सेहत दे, उन्होंने जो स्टेप उठाए, जो हर एक को यही मैसेज दिए कि हम हर पूरी जगह व्हाट्सएप पे फैलाए कि आप लोग कोरोना जो है ये बहुत बड़ा घमंडी है, आप लोग जो है ना इतना घमंडी आपके घर में आने वाला नहीं है, लेकिन आप घर के बाहर जाएंगे तो इन्हें आपके साथ आएगा, तो लिहाजा आप घर में रहिए, सुकून से रहिए, हर चीज़ की आपकी सहूलत है, और हमारा जो काम है उनका साथ देना है पूरी आवाम को, और पब्लिक भी थोड़ा दे रही उनको साथ, और हमारे जो बल्दिया के जो लोगा दे रहा है हम उनको सलाम करते हैं, जो आज के हालात के हिसाब से जो काम कर रहे हैं लगा, जो घर घर तक हर चीज़ जो सहूलत दे रहे हैं ऐसे टाइम पे, ये बहुत बड़ी बात है। और जो डॉक्टर्स जो है जो अपनी फैमिलीज को छोड़ के जो जाके जो ये जो चीज़ ऐसी वायरस है ये कि वो पूरी दुनिया इसके सामने घुटने चुका दी, सुपर पावर बोलने वाला भी इसके सामने जो है ना घुटने टिका दिया, लेकिन हमारे डॉक्टर जो काम कर रहे हैं ये काबिले तारीफ़ है, ये हमारे केसीआर साहब की अंडर में जो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट में, ये डॉक्टर्स हो या हमारे कमिश्नर साहब हो और जो पुलिस वाले जो कर रहे हैं सख्ती से, वो इतनी फिर भी मोहब्बत से कर रहे हैं लोग, तो भी आवाम का काम ये है कि पुलिस वालों का साथ देना है, हुकूमत का साथ देना है, और डॉक्टर्स के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करना है, जो बोले सुनना है, और हमारे बल्दिया वाले जो काम कर रहे हैं ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारे MLA साहब वगैरह जो कॉरपोरेटर है हमसे ये रिक्वेस्ट है फिर से, ये हमारी पूरी सोसाइटी है कि भाई आज तो हम आपको कल से काम शुरू नहीं हो रहे ये तो हमको मालूम है, लेकिन बारिश से पहले जब ख़त्म हो जाएंगे, उम्मीद है दुआ है कि कोरोना हमारे पास टिकने वाला नहीं है, हार जानेगा इंशाल्लाह, लेकिन इसके बाद ये जो ड्रेनेज का है ये रोड का है, बस ये काम करिए हमारे को, और इसके बाद कुछ भी चीज़ की हमारे को नहीं तो नहीं।